साकी वे तकवा हो जो नेक और मुत्तकी परहेजगार हो, तुम उनसे शादी करो। बरादरा ने इस्लाम सबसे कीमती चीज औरत होती है, सबसे कीमती चीज जेवर जो होता है वो औरत होती है। बरादरा ने इस्लाम अब जब शादियां होती है आप देखते हैं जहेज मिलता है। और एक बात मैं आपको दोस्तों और बताता चलूं, जहेज देना मेरे सरकार की सुन्नत है और जहेज का लेना अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला की सुन्नत है। जहेज का देना सरकार की सुन्नत और जहेज का लेना ये हजरत अली की सुन्नत, और जहेज का मांगना ये शैतान का तरीका। समझे ना, लड़ना झगड़ना जहेज की बुनियाद पर। बताइए कितने बड़े बेवकूफ लोग होते हैं, जहेज का मिला तो औरतों को मारना शुरू कर देते हैं। अल्लाह कितना बड़ा बेवकूफ आदमी है। अबे लड़की के बाप ने जहेज दिया है, अल्लाह ने सबसे बड़ी कीमती चीज तुझे तो औरत अता कर दी, उससे भी बड़ा कोई जहेज होगा? आप बताइए जरा मेरे दोस्तों। अल्लाह अकबर। तो आज मुरव्वजा बरादरान इस्लाम आज के दौर में शादियां हो रही है, देने वाला कोई बरादरान इस्लाम फोर व्हीलर भी दे रहा है वो भी एक सामान है, कोई टू व्हीलर देता है वो भी एक सामान है, कोई वॉशिंग मशीन भी देता है वो भी सामान है, बेड दिया जाता है वो भी सामान है, अच्छे अच्छे मखमली सोफे होते हैं बरादरान इस्लाम वो भी सामान होता है। मोहतरम हजरात इसके अलावा ना जाने क्या क्या दिया जा रहा है वो भी एक सामान है। लेकिन ए मुसलमानों ये बात मैं आपको बताता चलूं, जानते हो सबसे कीमती सामान कौन सा होता है? अल्लाह अकबर। आमिना के लाल अहमद मुख्तार नबियों के ताजदार ने इरशाद फरमाया, अद दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। मेरे आका फरमा रहे हैं ए लोगों पूरी दुनिया सामान है, पूरी दुनिया में बड़ा बड़ा कीमती सामान है, लेकिन आमना के लाल ने फरमाया लोगों सुनो, दुनिया का सबसे कीमती जेवर सबसे ज्यादा कीमती सामान अगर कोई होता है तो वो नेक औरत हुआ करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे कीमती सामान कौन है? जोर से बोलो यार, औरत है, औरत है बरादरान इस्लाम। अल्लाह अकबर। अब आज क्या चल रहा है एक बात और बताता चलूं मैं, ताकि जो खुराफाते हैं वो खत्म हो जाए। आज क्या चल रहा है जनाबे वाला? नेक औरत। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों नेक औरतों को तलाश करो। अब होता क्या है, शादी होती है, शादी होने के बाद बरादरान इस्लाम दुल्हन घर में आती है। इत्तफाक से ऐसा होता है कभी कभी कि शादी हुई 10-5 एक महीना 15 दिन के बाद 2 साल के बाद 1 साल के बाद, कभी ऐसा होता है घर में कोई हादसा हो जाता है, शौहर के चोट लग जाती है, कोई कारोबार में नुकसान हो जाता है। अब बरादरान इस्लाम बेचारी वो दुल्हन आती है अपनी माँ को छोड़कर अपने बाप को छोड़कर। अब खानदान की सबसे ज्यादा तो औरतें क्या करती हैं जानते हो? ये कहती है इतना मनहूस कदम इसका आया है कि जिस दिन से इसका कदम आया है घर में नुकसान होना शुरू हो गया। होता नहीं होता है बताइए? अच्छा होता नहीं होता है भाई? मैंने तो बहुत सुना है, मैं ये समझता हूँ आपने भी सुना होगा, मेरी माँ और बहनें बैठी हैं इन्होंने भी सुना होगा। ऐ मेरे दोस्तों जरा गौर करो, मैं कहना चाहूंगा अपने उन भाइयों से जो औरतों के कदम को मनहूस बताते हैं, मैं कहना चाहूंगा अपनी उन माँ और बहनों से कि जिनके आने की बुनियाद पर जो घर में आई दुल्हन बनने के बाद इत्तफाक से घर में कोई हादसा हो गया, कोई कारोबार में नुकसान हो गया, जान का माल का नुकसान हुआ, मैं कहना चाहूंगा ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी माँ और बहनों, अरे तुमने कैसे कह दिया मनहूस खत्म है? याद रखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में जब औरत को भेजा, अल्लाह ताला जब औरत को दुनिया में भेजता है, जब लड़की पैदा होती है तो अल्लाह पाक लड़की को रहमत बनाकर भेजता है, और जब बेटा पैदा होता है तो अल्लाह बेटे को नेमत बनाकर भेजता है, और रहमत का मकाम नेमत से बड़ा होता है। लिहाजा औरत का कदम मनहूस नहीं होता, और जब दुनिया में आती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कदमों में रहमत अता फरमा दे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। कैसी कैसी खुराफातें
बात समझ में आ रही है मेरे दोस्तों आपके, बात समझ में आ रही है। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़कर सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। इनका भी ख्याल रखना है मुझे, जो हमारे भाई उलमा कुर्रा आए हुए हैं। आप मेरी तरफ देखिए जरा, ताकि चंद बातें और बता दूं मैं आपको। वो चाय पी रहे हैं, उसके बाद आप भी पीना कुछ देर के बाद, तकरीर जब मुकम्मल हो जाए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं कहना चाहूंगा, आज बेचारी औरत, एक दुल्हन अपने पाप के मकान को, माँ को, रिश्तेदारों को, भाई बहनों को छोड़ कर आती है, और कहने वाले उसको बड़ी आसानी के साथ कह देते हैं कि इसका कदम मनहूस है। जानते हो औरत का मकाम क्या है? बेटी जब पैदा होती है उसका मकाम क्या होता है? आपके घरों में बेटियां होंगी, किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है, किसी की भतीजी होती है। औरत के बहुत रूप होते हैं। औरत बहन की शक्ल में होती है, औरत कभी बेटी की शक्ल में होती है, औरत कभी भतीजी की शक्ल में होती है। कोई सी भी शक्ल इख्तियार कर ले, औरत का कदम कभी मनहूस नहीं होता। आओ जरा चलो ख्वाजा खान मालिक हिंदुस्तान सय्यदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी रजी अल्लाह तआला अन्हु के पीर मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी का जरा कौल तो सुनो, आपका इरशाद सुनो। कसम खुदा की, अगर तुमने मेरे ख्वाजा के पीर मुर्शिद का अगर आपने कौल सुना तो आपका ईमान रोशन हो जाएगा। मैं तवज्जो चाहूंगा, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं कि जब बेटी पैदा होती है, बेटी की पैदाइश पर खुशी मनाना 70 मरतबा खानाए काबा की ज्यारत से ज्यादा अफजल है। बाबा बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 70 मर्तबा बेटी की पैदाइश पर खुशी मनाना 70 मर्तबा खानाए काबा की जियारत से ज्यादा, बोलो बोलो, अफजल है। क्या तुम बेटियों को मनहूस कहोगे, औरतों को मनहूस कहोगे? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह अकबर। औरत जब आती है अल्लाह पाक उसे रहमत बनाकर भेजता है। इसी के ज़मन में मुझे एक वाकया याद आ गया, और बड़ा ईमान सब लोग साथ में पी लेना, ठीक है? थोड़ी देर के बाद दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मान जा भैया, मान जा यार। देख बात, मैं तो नहोरे कर रही हूँ क्यों प्रोग्राम खराब करने वाले हो तुम? दरूद शरीफ पढ़ लीजिए जरा। अल्लाह रब्बो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की जो मेरे दोस्तों, आज इस पुरफितन माहौल में जो शादियों को जो रंग दिया गया, बरातरान इस्लाम, बड़ा अफसोस होता है। बात चल रही है मेरे दोस्तों घर में, कोई भी मेरे दोस्तों नुकसान हो सकता है, लेकिन किसी दुल्हन की बुनियाद पर नहीं है। वो दुल्हन की बुनियाद पर नहीं है कि उसको आप मनहूस कहा जाए। मैं जो चाहूंगा मेरे दोस्तों, जानते हो फुकाए किराम ने क्या बयान फरमाया? बड़ी अच्छी बात मेरे जहन में आ गई। बरातराने इस्लाम, आज जब शादियां होती हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है जो अफसोस होता है कि वीडियो तस्वीर कशी का मामला इस हद तक पहुंच चुका है। बरातराने इस्लाम, शादियों में दुल्हन की तस्वीर कशी हो रही है, हाथों के फोटो, जनाबे वाला पैरों तक के ऊपर को जनाबे वाला उसके फोटो खींचे जाते हैं। लेकिन ऐ मेरे दोस्तों, इसके जिम्न में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। आप जरा सुनो, इस्लामी तरीका देखो। जब दुल्हन तुम्हारे मकान पर आए, इस्लाम का तरीका देखो। इस्लाम क्या कह रहा है, फुकाहा ने क्या बताया? बरादराने इस्लाम, आज जब दुल्हन आती है निकाह होने के बाद, जब मकान पर पहुंचती है, खुराफात होती है, आतिशबाजी हो रही है, बरादराने इस्लाम पटाखे छोड़े जा रहे हैं, 5-5 10-10 हजार 20-20 हजार के पटाखे छोड़े जाते हैं, और मस्जिद का इमाम जब निकाह का वक्त आता है, और मस्जिद का इमाम अगर मुतय्यना पैसों से ज्यादा 3000 की जगह अगर 3500 का अगर सवाल कर दे, तो महफिल निकाह में वबाल खड़ा हो जाता है। वाह 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 वाह, क्या हो गया ये? 10-10 हजार 20-20 हजार के पटाखे, और मस्जिद
उसका इमाम अगर बेचारा सवाल कर दे 3000 की जगह तो बदलो चाहूंगा अहले स्टेज की, तो जनाबे वाला अमां बवाल खड़ा कर दे, समझे ना कहां का इंसाफ है। अल्लाह की बारगाह में जवाब दे पाओगे तो बताओ, है किसी के अंदर जवाब दे दोगे? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। तुम रब्बुल आलमीन की बारगाह में जवाब दोगे कयामत के दिन, अगर अल्लाह ने तुमसे पूछ लिया मेरे बंदे ये तो बता, जानते हो अल्लाह चार सवाल फरमाएगा अपने बंदों से कयामत के दिन, और जब तक बंदा जवाब न देगा हटेगा नहीं रब की बारगाह से। अल्लाह पैरा सो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा ये बता कि तूने अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी। बरातरान इस्लाम, आज इमामों का मामला ये लॉकडाउन में तो इन्होंने बरातरान इस्लाम उलमा के इमामों के पीछे हाथ धो के पड़ गए, असीसाने मिल्लत इस्लामिया। अरे ये मस्जिद के इमाम होते हैं यार, ये तुम्हें नमाज पढ़ाते हैं, अल्लाह अकबर ये तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। अरे ये मस्जिद के इमाम होते हैं, तुम्हारे बच्चों के कान में अजान पढ़ते हैं। यही मस्जिद के इमाम होते हैं कि जब बरातरान इस्लाम किसी का इंतकाल होता है तो उसकी बख्शिश की ये दुआ उलमा करते हैं, ये अइमा करते हैं। जब निकाह का वक्त आता है, बाजा बजाने वाला आ रहा है तो उसको 15-15 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, गाना गाने वाली रंडी औरतें रंडियां आ रही है। बरातरान इस्लाम नौजवान दूल्हा जो दूल्हा बनने जा रहा है उसके ऊपर पैसों की बरसात कर देता है, अल्लाह अकबर। आज जब शादी का वक्त आता है, अल्लाह अकबर, कल बरात जाने वाली है, रंडियों को मदऊ किया जाता है, डीजे की धमक पर गाने गाए जाते हैं, अल्लाह अल्लाह, सारी रात दूल्हा भी डांस कर रहा है, उसके यार दोस्त भी डांस कर रहे हैं, शराब भी पी रही है, अल्लाह, हो रहा है ना, बताइए, अमा 95% हो रहा है ये, समझे ना। बरातराने इस्लाम सारी रात डांस करता रहा दूल्हा, शराब पीता रहा, डांस करता रहा रंडियों के साथ। अब जब सुबह को दूल्हा बनता है, मुस्तफा की सुन्नत अदा करने जा रहा है, लेकिन काम देखो, काम आका की पसंदीदा सुन्नत, दूल्हा बना, दूल्हा बनने के बाद ससुराल तक फिर गाना बजता हुआ जाता, अल्लाह, बाजे गाजे ढोल तमाशे, गए पहुंचा ससुराल में, अल्लाह अकबर। और वहां पहुंचने के बाद अब जब आता है निकाह का वक्त, इमाम साहब आते हैं, निकाह की महफिल है, हजारों लोग होते हैं, कभी कभी सैकड़ों की तादाद में होते हैं, और एक गांव एक बस्ती के नहीं बल्कि कई सारे गांव के शहरों के लोग होते हैं महफिल निकाह में, होता नहीं होता है ऐसा। उसके बाद जब इमाम साहब निकाह पढ़ाने के लिए आते हैं, इमाम साहब कहते हैं दूल्हा मियां जरा कलमा शरीफ तो पढ़कर सुना दो। दूल्हा अपनी गर्दन को नीचे की तरफ झुका देता है, बहुत सारे दूल्हाओं को देखा गया, खामोशी के साथ कहता है कि हजरत मुझे कलमा याद नहीं है, मुझे ईमान मुफस्सल याद नहीं है, मुझे ईमान मुजमल याद नहीं है, मुझे तीसरा चौथा पांचवा कलमा याद नहीं है। बरातरान इस्लाम जरा गौर करने का मकाम यह है कि आज का मुस्लिम मुआशरा अपने आप को मुसलमान कहता है, सारी रात डांस करता रहा, अल्लाह अकबर। सारी रात डांस करने वाले दूल्हा, अगर तुम मस्जिद के इमाम के पास चला जाता और वहां पहुंचकर अगर तू कलमा याद कर लेता, निकाह की महफिल में जब तू कलमा पढ़कर सुनाता, तो कसम खुदा की अल्लाह पाक तुझको भी इज्जत अता कर देता, तेरे बाप को भी इज्जत अता कर देता। हां हां जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज का आलम कलमा याद नहीं, जब की बात तो ये देखिए जरा अजीजाने मिल्लत इस्लामिया। आप हजरात मेरे दोस्तों अपने मुआशरे की इस्लाह करो, और याद रखो मेरे दोस्तों कोई भी काम गलत नहीं होना चाहिए, शादी मेरे आका की सुन्नत है, और ऐसी सुन्नत को इस अंदाज से अदा करो कि उसमें कोई कमी बाकी ना हो। खाना खाओ बैठ कर खाओ शादियों में, पानी पियो बैठ कर पियो, ये सरकार की सुन्नत है। मेरे आका फरमाते हैं कि जब मेरा गुलाम जब कोई मेरी एक सुन्नत को अदा करता है, अल्लाह पाक उसको 100 शहीदों का सवाब अता। इस्लाम अल्लाह पाक हम सबको कुरान सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वो आखिर दावाना अनिल हम्द।